देखिए वो काउंटर चालू हो गया, मीटर जो सेकंड आ रहा है ना। ठीक, एक महिला जो घर चलाती है, हस्बैंड को देखती है, अपने बच्चे को देखती है, और उसके बाद समय निकाल के समाज सेवा, चाहे बिजनेस और चाहे पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक भी कर लेती है। यह भारत देश है कि जहां महिला एक बार ठान लेती है तो वह कोई भी काम बहुत ही अच्छी तरह कैसे करती है। हमारे साथ देविका सिंह जी हैं, जो राष्ट्रीय संयुक्त सचिव इंटक की है और प्रदेश महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष है महिला टीम की, और सबसे बड़ी चीज़ कि वह जमशेदपुर में वह स्ट्रांग लेडी है जिनका कहना जो सीधी सीधी क्लियर कट बात करती है, चाहे आपको अच्छा लगे या ख़राब लगे, लेकिन जो बात है सीधा उसी वक्त करती है। और यह बहुत बड़ा योगदान है कि हमारे जमशेदपुर शहर से राष्ट्रीय स्तर तक वह टीम में गई जहां पर मजदूरों का सबसे अधिक सोचा जाता है, सबसे अधिक प्लान किया जाता है, और कैसे करके मजदूर का भविष्य को आगे और अच्छा बने उसके लिए डिसाइड कर। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। आज मजदूर दिवस है और हम चाहेंगे कि देविका सिंह जी से मजदूर दिवस के अवसर पर दो शब्द आप मजदूर के ऊपर में कहिए, फिर हम आपसे मजदूर ऊपर, मजदूर का आगे भविष्य के ऊपर, सरकार की जो योजना है उसके ऊपर कुछ सवाल जवाब करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद एडी लाइफ दिनेश जी का कि आज मजदूर दिवस पर आप कम से कम हम लोग को ये महत्व दिए कि एक महिला नेत्री जो मजदूर का एक प्रतिनिधि हम लोग कर रहे हैं, उसका भी आज आपके तरफ से यदि हम लोग के पास पहुँचे हैं तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। सर्वप्रथम मैं तो अपने अभिभावक गार्जियन जी संजीवा रेड्डी जी को इस पद जो मिला है, कार्य को देखते हुए मैं उनका आभार और उनको बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। आज मजदूर दिवस पर जो आप हमसे पूछ रहे हैं कि आज मजदूर दिवस है और हम लोग का प्रतिनिधि जो करते आ रहे हैं वो क्या है, तो मैं एक चूँकि महिला मजदूर लोग का प्रतिनिधि करती हूँ, वो चूँकि मुझे ये एक्सपोजर मिला देश विदेश जाने का, चूँकि मैं इंडस्ट्री हॉल की चेयरपर्सन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया वुमेन कमेटी हूँ, तो मुझे बहुत कुछ देश के असंगठित मजदूर लोग का, तो वो तो उसी अगला छः महीना के अगला महीना ही उनको बैठा दिया जाता है क्योंकि वो परमानेंट जॉब में नहीं है, उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं है। अच्छा, ये तो चलिए असंगठित क्षेत्र में होता है, परमानेंट में क्या होता है? जैसे बड़े बड़े कंपनी में काम कर रहे, एसएमई में कोई काम कर रहे हैं, तो उस समय अगर लेडीज अगर उस कंडीशन में आती है तो क्या किया जाता है कंपनी क्या? एज पर लॉ कोर्ट्स से भी है और आपका हमारा जो फैक्ट्री लॉज के तहत भी है कि यदि महिला आज तो छः महीना का मैटरनिटी लीव ग्रांट हो गया, लेकिन जो नहीं मिल रहा है, जैसे आप बोले टाटा स्टील को नहीं बात करना है, तो टाटा स्टील के जैसे और भी कुछ कंपनियां हैं गिने चुने जो ये 6 मंथ्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट को तो देना ही है क्योंकि गवर्नमेंट का ही बनाया हुआ लॉ है, लेकिन सो कॉल्ड अबव मिडिल एवरेज भी कंपनियां हैं जो अभी 3 महीना जो चल रहा था वो भी नहीं देते हैं, और टेम्परेरी जो है परमानेंट नहीं हुई है, वो असंगठित नहीं है बट परमानेंट कहीं कैटेगरी में है, उनको बाकी चीज़ मिल रहा है, पे मिल रहा है, पीएफ मिल रहा है, सब कुछ, लेकिन मैटरनिटी लीव के समय थोड़ा सा तकलीफ होता है। मैटरनिटी की बात यदि हम ना करें, उसके अलावा आपका मेंस्ट्रुएशन में भी 2 दिन है, उनको इसको क्या बोलते हैं जो पीरियड्स के समय जो बोलते हैं मेंस जो बोलते हैं लोग, जो हर स्त्री को 3 दिन का चाहिए, तो हर कंपनी में एक रेस्टरूम बोल देने का प्रावधान है जो नहीं है, और उनको 2-3 घंटा भी मिलना चाहिए फीडिंग के लिए, जो बच्चा हो गया मैटरनिटी लीव तो अब दी है, यदि मेरा बच्चा हो गया तो मुझे फीडिंग के लिए भी 2 घंटा टाइम देना है, ये सारे लॉज हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो मैं असंगठित में कहाँ बात कर सकती हूँ कि मैं हक दिलाऊंगी जो मेरे परमानेंट को नहीं मिल रहा है।
ये बड़ा दयनीय स्थिति है हमारे भारत में। देखिए मतलब एक महिला का दर्द, और जब उस घर में उस महिला को इतना दर्द होगा, जब वह सुरक्षित नहीं हो सकती है, तो आने वाला समाज और आने वाला भविष्य क्या होगा इसका, ये बहुत गहम विषय है। एक दिन में नहीं इसका इंटरव्यू किया जा सकता है, और इसमें संघर्ष करने की ज़रूरत। और हमें लगता है कि देविका सिंह जैसे एक लेडीज़ नहीं, हमें लगता है कि हजारों लाखों की संख्या में चाहिए, तभी जाकर वह अपनी महिला का बात को आगे रख सकती। ठीक है मैडम, ये तो बात बहुत फंडामेंटल आप बात किए। अब आते हैं वर्क प्लेस, असंगठित क्षेत्र में सबसे ऊंची की महिला काम करती है, जहां पर 10 जेंट्स रहते हैं, जहां पर सब मतलब जेंट्स का बीच में काम करते हैं, और वो महिला ही समझ सकती है कि वह दर्द क्या होता, प्लस उनको जब कुछ ऐसा तकलीफ होता है तो बेचारी खाए। तो क्या वर्क प्लेस, क्योंकि जहाँ पर शौचालय हो, जहाँ पर महिला कुछ अपना ये कर सके, तो ऐसा भी स्थान भारत में बहुत कम है लगता, काम करते वक्त वो वर्क प्लेस भी नहीं मिलते। तो इसके लिए इंटेक कब तक अपनी बात श्रम मंत्रालय से, हमें काठमांडू गई, ये स्विट्जरलैंड, जर्मनी, सब जगह को यदि हम कंपेयर करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा महिला मजदूर में कोई फ़र्क नहीं दिखा। जो हमारा पाकिस्तान, काठमांडू, इंडिया, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ के महिलाओं का जो दयनीय स्थिति है, मज़दूर का मैं बात कर रही हूँ, वो वहाँ भी मुझे देखने को मिला। तो मुझे ये प्रतिनिधि मिला तो मुझसे एक फ़ायदा ये हुआ कि मैं जमशेदपुर से उभरी, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये मज़दूर के बीच में मैं जब गई, महिलाओं को जो हमने देखा, लेकिन ये 10-15 साल का जो मेरा सफ़र रहा है, तो मज़दूर दिवस मनाते हम लोग ज़रूर है, लोग बोलते कि एक दिन मज़दूर दिवस मना के आप क्या कर लीजिएगा, मैं कहती हूँ कि मैं अपने बच्चों का, मैं अपना एनिवर्सरी, मैं अपना जन्मदिन मनाती हूँ, एक दिन ही करवा चौथ करती हूँ, एक दिन ही तीज करती हूँ। तो साल में यदि एक दिन मजदूर दिवस मनाते हैं तो उसमें क्या है, क्यों ना मनाया जाए, क्यों नहीं उन मज़दूरों को ये हम एक भाव दिखाएं कि आज आपका दिवस है। तो यही हमारा है मजदूर लोग के लिए कि जो हम महिलाओं को दिखा, उनका जो हक की लड़ाई है, जैसे कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो आज भी चाहे वो बड़े से बड़े कंपनी हो या छोटे से छोटे ठेकेदार हो। मैडम उसमें बात करेंगे, वो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है वो, क्योंकि आपके पास जो एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस अगर इस शहर को या इस राष्ट्र को नहीं पता चले, सबसे पहली बड़ी चीज़ कि आपके पास वो एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस में थोड़ा बात करते हैं कि आपने इंडोनेशिया, जापान, साउथ एशिया और जापान भी गए, तो सबसे पहले कि वहाँ जो वर्क प्लेस होता है, सबसे बड़ी चीज़ हम लोग का देश में बहुत नैरो सोच है, महिला कोई काम करती है तो आप एक महिला समझ सकती है कि उनके साथ क्या फील होता होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं जापान का, हम बात करते हैं इंडोनेशिया का, और हम बात करते हैं आपको नेपाल का, पाकिस्तान का, तो वहाँ पर कैसे कल्चर है, क्या वहाँ महिला को, क्योंकि टाटा का बात नहीं करना, टाटा तो वर्ल्ड लेवल का कंपनी है, बहुत सी चीज़ देती है, लेकिन बात करते कि क्या वहाँ का इन्वायरमेंट और हम लोग के इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ फ़र्क है। सबसे बड़ी फ़र्क तो है जो हम बोले समान वेतन, और दूसरी सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि वहाँ पर जो है वर्क कल्चर जो है वो सफाई, और सब किसी को नॉलेज है कि मेरा क्या पे होना चाहिए, उनका जो राइट्स है, प्लस है कि जो इक्विपमेंट्स मिलता है जॉब के दरमियान जो हमारे यहाँ लैकिंग है, तो वो भी घटना जो दुर्घटना होती है वो नहीं है, कंपनसेशन नाम का चीज़ है वो नहीं है, मतलब कंपनसेशन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, खुशी की बात नहीं है, बट गॉड फॉरबिड कुछ होता है तो। लेकिन वहाँ का, वहाँ का